फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन ऑफ 2000 क्विंटल। मास कितना दे रखा जी? 2000 क्विंटल। क्विंटल कितना होता जी 1 क्विंटल में? 1000 किलोग्राम। ठीक है जी, 1 क्विंटल में 1000 ही होते हैं। गलत बोल रहे हैं, 1000 ही होते हैं। हाँ भाई, ये 100 होते हैं। 1000 होते हैं। एक बार चेक कर लो भाई। 100 होते हैं सर। 100 होते हैं। 100 होते हैं। गूगल ने धोखा दे दिया। हाँ जी, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, तो 2 × 10^5 kg हो जाएगा। मास कितना हो गया जी? 2 × 10^5। हाँ जी, देखो जी, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन ऑफ 2000 क्विंटल अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in 50। 1 in 50 का मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये 1/50। विद एन एक्सेलरेशन ए गिवन है, ए कितना दिया हुआ जी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी गिवन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना जी? 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन पर क्विंटल। पर क्विंटल, ठीक है जी, हो गया जी। एसएनएथ भी लिख दी ना दो बार। नहीं सर, इसमें से करंट है। फिर बाद में लिख लिया। बाय आज सबमिट करा है। हाँ जी, देखो जी, जब ऊपर की तरफ जाता है और एक्सेलरेशन भी चाहिए उसे, तीन फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लास्ट क्लास भी कराया था जब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले ने, तो फोर्स क्या होता है? एमए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी? म्यू एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी जी? म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो एम गिवन है, ए पता है जी, फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। हमारे पास कितने क्विंटल है? 2000। तो फ्रिक्शन कितना आ गया जी? 1000 न्यूटन आएगा जी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन मास गिवन है, एम ए क्या हो जाएगा? 2 × 10^5 × 2, 4 × 10^5। एम जी साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। एम जी साइन थीटा क्या होगा जी? देखो, अलग अलग फाइंड आउट कर रहा हूँ, तीन चीजें हैं। एक तो एम ए ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो एम ए जी एफ फिजिकल टू एम ए है। दूसरा क्या है जी? एम जी साइन थीटा
एमजी साइन थीटा क्या है जी, मास कितना है जी, 2 × 10^5, जी कितना दिया हुआ जी 10, साइन थीटा क्या है जी 1/50, जी 9.8 दिया हुआ है, यस सर, 9.8 ले लो, 0 से 1 0 कट गया, ठीक है जी, 10^3 हो गया जी, 20 × 10^2 बाय 5 × 98, ये कितना आ गया जी 4, 98 × 4 कितना होता है जी 196, 39, 392 आ गया, ये आ गया जी 400050 भी प्लस 39200 और क्या है जी हमारा 1000, तो सबको ऐड कर देंगे टोटल फोर्स आ जाएगा, यही पूछो जी, चले आगे आगे, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, ये पढ़ना जी एसएल में पेज नंबर 5.51 पे, एक बुकलेट में मैंने बोला था पढ़ने के लिए टॉपिक पढ़ा जी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस मोशन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस मोशन पढ़ने के लिए दिया था बुकलेट में, पेज नंबर 40 पे था जी, पेज नंबर 40 पे बुकलेट, हाँ बुकलेट में किसने पढ़ा जी कि नहीं, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस मोशन, हाँ कॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन भी होता है कई जगह, देखो जी कोई भी पर्सन चल रहा है तो जब वो चलता है तो क्या होता है जी, आप क्या कर रहे हो जी, एक्शन लगा रहे हो, ठीक है जी, एक्शन का क्या आ रहा है जी रिएक्शन, ठीक है जी, बेसिकली एक्शन तो पीछे की तरफ है आपका, पैरों पे एक्शन किधर को जी, पीछे की तरफ, ठीक है जी, तो फ्रिक्शन किधर को होगा जी, तो आप जाते हो किधर रहे हो जी, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन क्या कॉज कर रहा है जी, मोशन, ये पढ़ा जी किसी ने थ्योरी पढ़ने के लिए दिया था, मैंने पढ़ लिया, पढ़ लिया जी, क्या समझ आया जी पहले में, सर पहले में कि जो वो मतलब आगे स्टेप करता है वो फोर्स लगाता है तो उसका मोशन आगे की तरफ होता है, तो फ्रिक्शन उसको चाहे फोर्स कर रही है पर वो मूव आगे को हो रही है, तो इसका तो उसको फ्रिक्शन मोशन कॉज कर रही है, वॉकिंग के अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप हो जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा और कोई मोशन क्रिएट नहीं होगा, साइकिलिंग का समझ आया जी, ठीक है, देखो जी दो व्हील है, एक रेयर और एक आपका फ्रंट, द रेयर व्हील मूव्स बाय द फोर्स कम्युनिकेटेड टू इट बाय पेडलिंग व्हाइल फ्रंट व्हील मूव्स बाय इटसेल्फ, देखो जी जो साइकिल चलाते हैं तो हम पैडलिंग करते हैं, पैडलिंग कर रहे हैं तो रेयर पीछे वाले तो पैडलिंग से मूव कर रहा है पर आगे वाला अपने आप मूव करता है, ठीक है जी, बेसिकली आप पैडलिंग करते हो तो फोर्स किधर लग रहा है जी, पीछे की तरफ, ठीक है जी, फोर्स किधर लग रहा है जी, आप जब पैडल कर रहे हो तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है जी, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो रिएक्शन किधर को आ रहा है,
आगे की तरफ। पर रिएक्शन क्या है जी? वो फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या है जी? फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसमें दो वो है व्हील, एक व्हील पे तो एक बार रीड करना पड़ेगा सारा। सो व्हेन पेडलिंग अ बाइसाइकिल द फोर्स एग्जर्टेड बाय रियर व्हील ऑन द ग्राउंड मेक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक वॉकिंग। मतलब रेयरर में तो आपका फ्रिक्शन ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी? मोशन आगे की तरफ। फोर्स आप पीछे की तरफ लगा रहे हो रेयरर व्हील पे, और फ्रिक्शन उसके आगे की तरफ लग रहा है, तो वो ही आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी? मोशन। फ्रंट व्हील मूविंग इटसेल्फ एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रंट व्हील जो अपने आप मूव कर रहा है, वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में उसको होता है जी? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। हाउएवर इफ पेडलिंग इज स्टॉप बोथ व्हील्स मूव इटसेल्फ सो एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर हम जब पैडलिंग कर रहे होते हैं तो हम पीछे को फोर्स लगाते हैं, पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन है जी? फ्रिक्शन जो है रोड और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही हमारा क्या है जी? कॉज हो। समझ आई बात? देखिए अब थर्ड एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी साथ ही साथ करवा दूंगा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। फाइव पॉइंट थ्री सिक्स क्वेश्चन नंबर है, 5.82 पेज पे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो ये बुकलेट का, इस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फाइव पॉइंट थ्री सिक्स पेज नंबर 5.82। ये अपना ट्रॉला है जी। ठीक जी। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम है। ये एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है जी? अब देखो जी, आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कराया था। अगर ये जो ट्रक है उस पे फोर्स एफ लग रहा है, उसके कारण से पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है? ए। तो ये ब्लॉक तो ट्रक के ऊपर रखा हुआ है ना जी, इस पे क्या लगेगा जी? सूडो फोर्स। अगर ये आगे को एक्सेलरेट हो रहा है पूरा सिस्टम, तो ब्लॉक किधर को जाएगा जी? एक बार पीछे की तरफ एम ए। अब इसको रोकने के लिए क्या लगेगा भाई? फ्रिक्शन। इसको रोकने के लिए क्या लगेगा जी? म्यू इनटू आर, या आप कह लो स्मॉल एफ। अगर ये एम ए ग्रेटर देन एफ है, तो बॉडी उधर को मूव करना शुरू करेगी। अगर ये एस डिस्टेंस है, ठीक है जी, तो बॉडी थोड़ी देर बाद कहां गिर जाएगी? कई बार क्वेश्चन आ जाता है टाइम बताओ जी, कितनी देर बाद गिरेगी, गिरेगी भी कि नहीं गिरेगी, वो भी चेक करना पड़ेगा ना जी। डिपेंड करता है जी कि ये फ्रिक्शन से बड़ा है कि नहीं। तो सिस्टम क्या है जी? अगर ये एम ए इज लेस देन एफ, तो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। डन जी। अगर एम ए ग्रेटर देन एफ है, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा जी? स्लाइड डाउन करेगा। ब्लॉक विल स्लाइड आफ्टर सम टाइम, ये क्या कर जाएगा जी? फॉल फ्रॉम द ट्रक। अगर ये ऊपर है, रुका हुआ है, तो वो तो आगे जाके रुक ही जाएगा। ठीक है जी। और अगर कोई ओपन ट्रक है, पीछे से खाली है, वो सामान क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाए। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें 1D की इक्वेशन लगेगी जो आज करी भाई, S इज इक्वल टू UT प्लस RT। ठीक है जी।
जी अपना ही क्वेश्चन बना लेते हैं, ये आप खुद करके ट्राई करते हैं। ये ट्रक जा रहा है जी, उसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। मास आपको दे रखा है जी 20 kg, म्यू आपका पास है, कई बार 2 म्यू देता है, म्यू एस और म्यू के अलग अलग, तो जब मूव करेगा तो म्यू के यूज करोगे, नहीं मूव कर रहा तो म्यू एस, अगर एक ही दे रखा है तो दोनों में एक ही यूज होगा। सपोज म्यू मैंने दे रखा है 0.3, पहले तो चेक करेंगे कि ये गिरे मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो एम ए कितना आएगा जी 20 × 4 80 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना रहेगा जी μ × r, जी 10 दे दिए जी, जी कितना दे दिए जी, एम जी क्या लगेगा जी, ट्वेंटी इंटू टेन 200, 0.3 × 200 60 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। एम ए इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, बॉडी स्लाइड करेगी, नेट फोर्स क्या आ गया जी 80 − 60 20 न्यूटन, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ गई एफ नेट बाय स्मॉल एम, एफ नेट बाय स्मॉल एम 20 / 20 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज ये डिस्टेंस 10 मीटर दे रखा है तो कितनी देर बाद ये नीचे गिर जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो भाई 0 था पहले, तो किस पे था जी रेस्ट पे, तो एस क्या आ गया जी 10, 10 इज इक्वल टू हाफ ए, ए कितना है जी 1, वो नहीं लगेगा याद रखना, नेट फोर्स हमने निकाला क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी हाफ इंटू वन इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू वन इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी हमारा 20 t² तो t क्या आ गया जी अंडर रूट 20 2√5, कितनी देर बाद वो नीचे गिर जाएगा, समझ आया कॉन्सेप्ट। सपोज ये आता जी कम आ जाता है, सपोज कर लो यहाँ मैं 2 ले लेता, ये कितना आ जाता जी 40, ये वाला अपना 40 आ जाता, तो ये बॉडी मूव फिर आंसर आ जाता है जी नो, बॉडी स्लाइड ही नहीं करेगी और वो गिरेगी ही, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बुक वाला करके आना जी, 5.36 पे बिल्कुल सेम डिटो कॉपी है, वैल्यू चेंज कर दी, अब वैल्यू कुछ भी आ सकती है, अभी तो मैं ऐसे बनाता नहीं हूँ क्वेश्चन टेस्ट में, बुक के ही डाल देता, ठीक है जी। अगर ऐसे टेस्ट बनाने शुरू करें ना तो भाई आधे बंदों की दवाइयां उड़ जाएंगी। चले जी आगे, नेक्स्ट है जी पुल इज इजियर देन पुश, या पुश इज इजियर देन पुल, क्या था जी व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुश, लॉन रोलर में होता है 5.51 पे, बस फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन भी आपको रिपीट करना है मुझे एक दिन, सर्कुलर मोशन भी कईयों का रहता है जी। थर्सडे को छुट्टी ले सकते हैं, थर्सडे एक दिन बोलो फटाफट, थर्सडे या ट्यूसडे में से कौन से दिन छुट्टी ले सकते हैं, पूरा दिन स्कूल की तरह क्लास लगी, ये मत सोचना सैटरडे सर होते नहीं भाई,
जब मर जाऊं अब जेई वालों के लिए कंपलसरी है, पर मैंने सुबह ही क्लास कर देनी है 9 से। हां जी अश्विनी जी आप भी छुट्टी कर लेते हैं घर से? सर कैन यू रिपीट सर वापस बोलना। थर्सडे का हम सोच रहे हैं कि सुबह ही 3 घंटे की क्लास हो जाएगी 9 से 12। एक्सक्यूज मी सर, सर सुबह जेई वाली क्लास है? नहीं सोच रहे हैं कि दो दो तीन तीन घंटे की ये सिलेबस की भी क्लास रहे, फिर 12 से 1.5 घंटे तक जेई की क्लास है, मतलब उस दिन 5 घंटे की क्लास होगी। पहले नॉर्मल क्लास 3 घंटे की मैं लूंगा, ठीक है जी, हम दोपहर की भी लगेगी 3 बजे के लिए, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक के बाद जेई वालों की एक्स्ट्रा क्लास भी, मतलब 2 बजे तक पूरा फिजिक्स 9 से 5, 2 बजे तक, मतलब 5 घंटे की क्लास हो जाएगी उस दिन। हर हफ्ते एक ऐसा दिन चाहिए ना, तभी सिलेबस मेरा स्मूथली चलेगा। संडेज को तो अब टेस्ट होने लगे, 3-3 घंटे की टेस्ट हुआ करेंगे, तो फिर तुम लोग थक गए जी, या तो संडे को क्लास कर देते हैं। लिखो जी अगला टॉपिक, व्हाई पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजीियर देन पुशिंग, पेज नंबर 5.51 पे एसएल में है, बुकलेट का टॉपिक नहीं है ये, थ्योरी का टॉपिक है, मतलब स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई पुलिंग इज इजीियर देन, व्हाई पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजीियर देन पुशिंग, ये एक लॉन रोलर है, ये उसका हैंडल है, ठीक है जी, पुल कर रहे हैं हम एफ फोर्स से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा आ गया जी, ये एफ साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा आ गया जी, ये एफ साइन थीटा, डन है जी, यहां तक कोई डाउट? वेट नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा एफ के, बाकी थ्योरी तो यही लिखी हुई है जी, आप अगर पढ़ेंगे, कंसीडर एक लॉन रोलर है, ठीक है जी, उस पे हमने अप्लाइड पुल किया उसे एफ फोर्स से, एट एन एंगल थीटा लग रहा है जी फोर्स, तो फोर्स के क्या है जी, दो कंपोनेंट, फोर्स के क्या है जी, दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, ठीक है जी। वेक्टर को बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लें, अच्छी तरह हर जगह आपको दिख ही रहा है जी वेक्टर का यूज है, ठीक है जी। तो अब इसमें वेट भी लग रहा है जी, एक फोर्स क्या है जी, वेट एम जी, एक नॉर्मल रिएक्शन एक एफ की, ठीक है जी। तो एफ की क्या होता है जी, न्यू इनटू आर, अब यहां अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, एफ साइन थीटा प्लस आर किसके बराबर है जी, तो आर क्या हो जाएगा जी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, सिंपल सी बात है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, देखो जी आर क्या हो गया जी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब आप पुश करेंगे ना जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, अभी पुश का भी केस कराएंगे, यहाँ तक नोट कर लो, देखो जी इसने क्या बताया जी, 3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ अप्लाइड फोर्स है, एक डब्ल्यू वेट है,
एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक फ्रिक्शन है, चार फोर्स होंगे। क्या होंगे जी? चार फोर्स। तो यहां पर फोर्स एफ के कंपोनेंट आ गए एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा प्लस आर किसके बराबर आ गया जी? एम जी। तो आर क्या आ गया जी? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो आर की वैल्यू यहां पुट कर दो। चले आगे जी। सैटरडे को नोटबुक भी चेक करनी है, लॉज ऑफ मोशन तक की जो कनेक्टेड बॉडीज है वहां तक की याद रखना है, और ये दो असाइनमेंट भी। चलो तो ट्यूसडे को कर लेंगे असाइनमेंट, ठीक है? डाउट्स फिर मैं ट्यूसडे को लूंगा असाइनमेंट, एक और दे दूंगा फिर मैं सैटरडे को। तीन हो जाएंगे टोटल, तीन ही है इसकी। फिर एक फ्रिक्शन की भी असाइनमेंट है। काम बहुत है जी, तभी तो कह रहा हूँ एक क्लास चाहिए 5 घंटे की हफ्ते में। प्लस वन है ऐसे थोड़ी हो जाएगी। आप सोचोगे बस जैसे 10th चल रही थी, ओहो क्या बात है। आधा घंटा पढ़ लो तो बहुत है, ठीक है जी? ये तो आपके जो चैप्टर हैं इनमें बड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं है। फिजिक्स का तो कोई चैप्टर डिलीट ही नहीं हुआ आपसे, क्या केमिस्ट्री हो गया जी। डायग्राम चलिए अब इसको दूसरा डायग्राम। एफ फोर्स लग रहा है जी, ये एंगल थीटा है। जब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो कंपोनेंट भी किधर को होते हैं जी? अंदर की तरफ। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये फोर्स एफ, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा। वेट एम जी भी नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा जी? ऊपर की तरफ। और एफ के हमारा क्या रहेगा जी? एफ के हमारा क्या रहेगा जी? काइनेटिक फ्रिक्शन। हम यू के आर आ रहे हैं गणेश जी यहाँ पर। एफ के डैश मान लो जी, इसमें एफ के डैश क्या हो जाएगा? म्यू के आर। आर किसके बराबर है जी यहाँ पर? आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। तो एफ के डैश क्या आ गया जी? म्यू के इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। जब पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या है जी? ज्यादा। हेंस पुल इज इजियर देन डन है जी। नेक्स्ट है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। जिन्होंने सर्कुलर पढ़ाया उनको मैंने बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, वी स्केयर बाय आर, ओमेगा स्केयर आर। सर्कुलर का अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ, उस किसी ने भी पढ़ा नहीं हुआ है ना जी। सर्कुलर का एक दिन अलग से टेस्ट भी लेना पड़ेगा।
हाँ दोबारा पढ़ाऊंगा जी, एक बार फिर से लेक्चर रिपीट होगा, ठीक है जी। सर्कुलर का एक लेक्चर लगाएंगे जी, देखते हैं वर्क और एनर्जी ड्यूटी को स्टार्ट करना है। सैटरडे को आ जाओगे एक्स्ट्रा? यस सर। छुट्टी ले रहे हैं सारी? यस सर। हाँ जी एसपी जी, सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे जाना है? हाँ सैटरडे का कुछ बनाता हूँ मैं, प्लीज सैटरडे को ही कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, तभी वो 5 घंटे वाली स्टार्ट। हाँ मैं 3 घंटे तो वही पढ़ाऊंगा, 2 घंटे 1.5 घंटे सर न्यूमेरिकल करेंगे, आधा घंटा आपको बीच में देंगे, ठीक है जी। नॉन मेडिकल वालों को जेई के क्वेश्चन PY2 कराएंगे, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, 3 घंटे सभी को पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर आपकी आवाज कम आ रही है, वापस बोलना सैटरडे को क्या है? सैटरडे को शायद सर्कुलर की एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगी मैं, सुबह सुबह ही एक साथ ही बैच कर देंगे लोगों का, इसे पर उनका सिलेबस पीछे चल रहा है। हाँ जी सैटरडे को शायद सुबह क्लास कर दूं, अभी बता दूंगा फाइनल, ठीक है जी। ओके सर, सैटरडे तो ऑफ ही होता है सभी का, चलो जाओ। सैन एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे सर सैटरडे को सुबह मत रखो। सुबह नहीं करना, नहीं सर शाम को ही रहने। इसको सेकंड डाल देना, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के, 1 से 4 1 से 4। चलो उनको भी कराना ना सर्कुलर, सुबह वालों का भी रहते हैं वो, उनकी क्लास होती है आरएम की। आरएम मैथ्स चलो जाओ फटाफट देखें। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जी? जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जाती है, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जाती है तब उस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी तो हर टाइम चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना जी, वेलोसिटी तो हर टाइम क्या हो रही है जी? चेंज। और स्पीड क्या रहती है जी? कांस्टेंट। तो ऐसे मोशन को सर्कुलर पाथ में जब कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं जी? वो किसमें है जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो कौन से मोशन में है जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ जी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है इसमें, तो उसके कई सारे फार्मूले लिख रहे थे, वी स्केयर बाय आर, ओमेगा स्केयर आर, वी ओमेगा, एक और था जी ओमेगा की वैल्यू डाल देते थे 2π/D। ओमेगा क्या होता है जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π/T, 2π ν भी बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है? 2π/T का होल स्क्वायर इनटू आर। एसी क्या हो जाता है जी? 2π ν, 2π ν का स्क्वायर इनटू आर, 2π ν का स्क्वायर इनटू ये सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन आ गई जी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहाँ लगती थी, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगती थी, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। जी जी नेक्स्ट आ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जी, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है जी, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, फाइव पॉइंट फाइव फोर पे पेज आगे चले गए। बस इसके बाद लास्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड, सैटरडे को खत्म हो जाएगा चैप्टर। लेवल रोड क्या है जी, जिसमें कोई बैंकिंग नहीं हुई। बैंकिंग का मतलब क्या, बेसिकली रेसिंग देखी थी आपने, रेसिंग कार। जब रेसिंग होती है, कार रेसिंग का जो ट्रैक होता है ना, साइड से ऊंचा होता है और बीच में ऐसे स्लांटेड होता है, मतलब वो इंक्लाइंड तो ऐसे ऊपर चढ़ते हैं लोग, पर ऐसे मूव करेंगे जैसे, ठीक है जी, जैसे आपका वो जो हिंदी में तो उसको मौत का कुआं बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है ऐसे ही स्लांट सा होता है, उसमें भी क्या होता है जी ऐसे ही स्लांट सा होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली सर्कुलर पाथ में जब भी गाड़ी को जाना होता है तो बैंकिंग ऑफ रोड रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज एक सेफ स्पीड से ज्यादा आप तेज नहीं चला सकते। अगर आप सेफ स्पीड से तेज करेंगे तो हैंडल मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है जी, हैंडल लॉक हो जाएगा। एक पीसीए स्टेडियम के पीछे रोड है, जिगजैग सी है, हो गया होगा तो वहां ना कई बार हम पहले जाते थे, अब तो जाते नहीं, खंबे ना गिरे हुए मिलते थे बस। पहले हम सोचते थे क्यों गिरे हुए मिलते हैं, तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें पता लगा कि वो जब तेज स्पीड से आ रहा होगा तो भाई हैंडल तो ब्लॉक सा हो जाएगा,
अगर आप बहुत तेज स्पीड से आ रहे हैं सर्कुलर पाथवे, और वो सीधा खंबे पे ही क्रैश कर जाए, ठीक है जी। बेसिकली सेफ स्पीड, ये तो प्रैक्टिकल करके देखा होगा हमने बीटेक में, कॉलेज लाइफ में हो जाता है, ठीक है जी। बेसिकली मैं तो पीछे बैठा हुआ था, दोस्त चला रहा था बाइक, 80 की स्पीड पे हो गई थी, और ऐसे टर्न आया, वो कह रहा भाई हैंडल ही नहीं मुड़ रहा वो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है जी, जाना ऐसे था, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ वहां, तो किस्मत अच्छी थी कि साइड पे कुछ नहीं था, दीवार वगैरह, तो कच्चे में उतार के फिर वापिस हम इधर, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सेफ स्पीड बढ़ा सकते हो, आप रेडियस बढ़ा रहे हो तो सेफ स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है जी, एक सेफ स्पीड है लेवल रोड पे, जब आप जा रहे हो, साइकिलिस्ट या बाइक तो बेंड भी कर सकते हो, वो फिर एक्सपर्ट बाइकर चाहिए, तो फिर वो बेंड करके ऐसे घुमा देता है, ठीक है जी। चलो जी, आओ जी, अब आ जी फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब ऐसी गाड़ी तो बनेगी भाई जैसी बुक में बनी हुई है, सिंपल सी गाड़ी बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली थोड़ी अच्छी है भाई, अब मैं तो ऐसी बना पाऊंगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छी है, बेस्ट गाड़ी है। हाँ जी, देखो जी, जब कार सर्कुलर पाथ में जाती है तो टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वही उसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वही उसको क्या प्रोवाइड करता है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, गाड़ी मूव कर रही है और टर्न लेना चाह रही है, तो टायर तो उसको अपोज करेगा ना टर्न लेने देने से, तो फ्रिक्शन इस केस में जब अपोजिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो वो किधर को लग जाता है, ये टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, और वही हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए आपको फोर्स ऐसा चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे, जो कहां लगे जी, सेंटर की तरफ। अब देखो जी, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आर वन है इसका, इसका नॉर्मल रिएक्शन आर टू है, वेट एम जी है, तो टोटल आर वन प्लस आर टू किसके बराबर आ जाएगा जी, एम जी। बाकी थ्योरी बहुत ज्यादा है जी, पढ़ देता हूँ जी, लिख लेना, वही लिखा हुआ है। व्हेन अ कार नेगोशिएट अ कर्व्ड लेवल रोड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन मोशन अराउंड द कर्व। यही बताया जी मैंने कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही आपको क्या प्रोवाइड करता है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड बात जी, ये सेकंड पैरा कह रहा है जी कि कार का मास एम है, तो वेट कितना हो जाएगा भाई, एम जी। ये टायर्स पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा आर वन एंड आर टू, टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया जी, आर वन प्लस आर टू किसके बराबर आ गया जी, एम जी। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है जी, जो ये फ्रिक्शन आ रहा है टायर्स में वो म्यू, आप एक टायर का ले लो म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू, म्यू कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू, तो फ्रिक्शन क्या आ गया जी हमारा, म्यू एम जी। यही फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जी, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर क्या आ गया जी, म्यू आर जी, वी क्या आ गया, अंडर रूट म्यू आर जी। ये आपकी क्या है जी, सेफ स्पीड है, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन हुआ तो काम नहीं चलने वाला, और मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, मैक्स सेफ स्पीड
म्यू आर जी अंडर रूट म्यू आर जी। नोट कर लो जी, थ्योरी लिख लोगे जी? बुक इसीलिए प्रोवाइड कराई है, थ्योरी हमें आप लिख लें एक्स्ट्रा, थोड़ा सा झंडा छोड़ दिया करो साइड में। वैसे तो आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें थ्योरी को ज्यादा वो गौर कर नहीं रही, बोर्ड वाले तो खास। ठीक है जी, एक दो लाइन लिख के समझा दिया थोड़ा सा। ठीक है जी, पर स्कूल में भाई टीचर के हिसाब से टीचर क्या चाहता है थोड़ा सा उससे मिलना जुलना चाहिए कभी कभार। ठीक है जी, ज्यादा भी मत मिलना सरकारी स्कूल में, वो कई बार नजरों में आ जाती है। बस लिमिटेड बैंकिंग भी आज ही करा दूं, तो इसका एक एंगुलर वाला है वो करा दूं, हम एक गणित का। बैंकिंग ऑफ रोड पक्का ही है जी, लगभग काफी पेपरों में आता है जी, सितंबर के जिसके भी पेपर में ये चैप्टर आएगा वो पक्का है, बैंकिंग ऑफ रोड आएगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जी इसमें एक टॉपिक, सर्कुलर मोशन पे दो लेक्चर लगाए देंगे जी, या तो अगला सैटरडे संडे कर देंगे। ठीक है जी, दो लेक्चर क्योंकि संडे को अगले पेपर भी नहीं है, सैटरडे संडे लगा दो, पूरा ही सर्कुलर मोशन खत्म कर देंगे बुकलेट से अगले सैटरडे से। इस ट्यूसडे और थर्सडे तो वर्क ऑन एनर्जी स्टार्ट कर देंगे, आधा खत्म हो जाएगा लगभग। फिर नेक्स्ट वीक कोलिजन, फिर रोटेशन, ग्रेविटेशन खत्म करना है ये हमने 30 अगस्त तक। ग्रेविटेशन साथ में बड़े बड़े टेस्ट भी होंगे जितने चैप्टर आने हैं स्कूल में, तो ये नहीं कि सर सिलेबस रोक दो, क्योंकि भाई सिलेबस रोक दोगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, 11th का सिलेबस लेंथी है, प्लस टू में तो चल जाता है। जाना जी, अभी थोड़ी आदत डाल लो जी पढ़ने की अच्छी, अभी बात बनेगी 11th में। आओ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स होने को क्या हो सकता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? एंगुलर स्पीड, तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो म्यू एम जी हमें क्या प्रोवाइड करेगा जी? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम से एम कैंसल, तो म्यू जी बाय आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये इधर था ना जी ग्रेटर देन, तो वी के साथ तो लेस आ रहा था ना इधर को, ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू जी बाय आर, ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर, मैक्सिमम सेफ एंगुलर स्पीड क्या हो सकती है जी? अंडर रूट म्यू जी बाय डन जी। चलो छुट्टी है, इसके बाद लास्ट टॉपिक आ गया जी बैंकिंग ऑफ रोड, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी इसी में होता है, उसको सर्कुलर मोशन के साथ ही कराऊंगा। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल ये वाला तो करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल करेंगे और बुकलेट भी डिस्कस होगी, बुकलेट जरूर लाएंगे अगली क्लास। छुट्टी है जी।